सो हेलो गाइस, तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो ये देखिए, हमारे जनरेटर में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो स्प्रिंग देख सकते हैं वो टूट गया था अंदर ही में, और इसको हम लोग चेंज किए हैं। तो ये आप देख सकते हो, तो क्या हो रहा था, ये जो है स्पीड लोड नहीं ले रहा था। ये हमारा जो जनरेटर है, अभी इसको हम लोग खोले हैं, ये देखिए नट वगैरह सब। तो ये जनरेटर जो है लोड नहीं ले रहा था, इसका जो वाटेज है वो एकदम कम हो गया था, और इंजन का जो स्पीड है वो भी कम हो गया था इसके कारण। तो इसी को हम लोग चेंज किए हैं, इसे देख सकते हैं पिन वगैरह। तो अभी हम लोग सर्विसिंग वगैरह भी इसका करेंगे, और सर्विसिंग किस तरह से करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो इधर आप लोग देख सकते हैं पूरा हम लोग जो रस्ट होता है, ये देखिए जो पूरे गंदे आयल होता है, जिससे हम लोग नट नट को खोलते हैं हम लोग सब प्रॉपर नॉर्मल तरीके से। कैसे सर्विस करते हैं हम लोग, जैसे नट को खोल दिए यहाँ से और आयल को निकाले, फिर दूसरा आयल डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए इतना आयल जो है अंदर में बच जाता है, उसको भी आपको यहाँ से पूरा अच्छे से साफ़ कर लेना है। चाहे तो आप लोग उधर से भी खोल सकते हैं, क्योंकि इधर अपना ऑयल फिल्टर वगैरह, सॉरी जो डीज़ल फिल्टर है वो लगा रहता है, इसलिए आप उधर का भी खोल सकते हैं अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो। अभी मैं आप लोगों को अंदर का भी दिखाता हूँ। इसी तरह से आप लोगों को अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि आपका जो जनरेटर है एकदम सही तरीके से सर्विस हो जाए, और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छे से हो जाए। तो अभी मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ कि क्या है, कैसा है, अच्छे से साफ़ हुआ है, किस तरह से आप लोगों को साफ़ करना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप लोगों को साफ़ कर लेना है, और ये ऑयल पंप लगा हुआ है देख सकते हैं, और ये देखिए इस तरह से आपको अच्छे से साफ़ करना है, ताकि आपका ऑयल जो है अच्छे से काम करे, और आपका ऑयल जो है जल्दी गंदा ना हो। देखिए इतना सारा निकला है गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं, इतना सारा जो गंदा ऑयल है जो नीचे में रह जाता है सर्विस करने के बाद, ये सब निकला है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, अभी आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें देखिए इतना गंदा है, एकदम मैला, एकदम ख़राब ऑयल जो अंदर में रहता है। तो ये स्पीरिंग हम लोग चेंज किए हैं, और ये हमारा जनरेटर जो है 12 KVA का जनरेटर है, ये आप लोग देख सकते हो। और ये जो इसको आप ना खोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस, ये देखिए, क्योंकि उसमें जो है ना आपका इंजन का जो टाइम होता है वो आप लोग गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए आप खाली पिन बस लगाएं। और उसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें हम लोग कौन सा आयल डालने वाले हैं। तो ये देखिए, ये आप जनरेटर देख सकते हो, तो ये है हमारा जनरेटर, जो कि अभी बुकिंग में वैसा उस टाइप का प्रॉब्लम कर रहा था कि, तो हम लोग देखे फिर किस कारण है, तो वही किए। और यहाँ पे आप देख सकते किलोस्कर के शक्ति का ऑयल हम लोग 3 लीटर, 3.5 लीटर डालने वाले हैं, और इसमें 4.5 लीटर डलता है गाइस, 4.5 ml डलता है। तो अभी 1 लीटर अलग से डालेंगे हम लोग। तो ये देखिए 3.5 लीटर, और ये देखिए पूरा गंदा जो है हमारा ऑयल जो है निकल रहा है पूरा। और अभी हम लोग इसको फिट करेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा चेक करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ इसको, और इसको हम लोग वोल्टेज भी चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पूरे यहाँ से हम लोग पूरा साफ़ कर लिए, और ये है हमारा पंप है, ऑयल फिल्टर है, इसको अंदर में फिट करते हैं। इस तरह से आपको इसको फिट कर लेना है, इसको निकालेंगे तभी आपको अच्छे से साफ़ करते बनेगा, नहीं तो फिर साफ़ करते आपको नहीं बनेगा। तो उसी पे आप लोगों को ध्यान देना है, इसको अच्छे से आप लोगों को अच्छे से देख के निकालना है, क्योंकि इसको फिट करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से आपको फिट कर लेना है, क्योंकि अगर ऑयल में जैसे आपका जो ऑयल होता है उसमें कचड़ा वगैरह रहता है, तो ये जाने नहीं देता, इसको ये छान के जो है हमारे इंजन को भेजता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से, और ये आप देख सकते हैं, ये जो नट है ना, आप हैंडल को जो टाइट कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग टाइट कर सकते हैं, जैसे वो अंदर बाहर, ज़्यादा अंदर बाहर होता है ना, तो उसको आप लोग इसे टाइट कर सकते हो। तो चलिए फिर हम लोग जल्दी से इसको फिट विट कर लेते हैं, और चेक करते हैं कि जनरेटर की वोल्टेज सही है कि नहीं है। और सर्विस करना चाहते हैं अगर आप लोग, तो इसी तरह से सर्विस करना गाइस, बहुत ही अच्छे से सर्विस होता है, इसी टाइप का सर्विस करना है आपको। बस ऑयल बस नहीं डालना है, आपको खोलना है आपका साइड का, उसके बाद पूरा जो अंदर का मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना है, उसके बाद ही आपको सर्विस करना है। तो चलिए फिर अभी हम लोग इसको जल्दी से फिट करते हैं, उसके बाद करते हैं टेस्ट, ऑयल वगैरह डालते हैं, ठीक है। Thank you.
पंप उसको फिट कर लेते हैं, उसके बाद चालू करते हैं। तो ये देखिए जनरेटर चालू हो रहा है, अब लोग देख लेना साउंड नहीं आएगा।